नमस्कार, मैं पिंकी देसी रसोई चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ दही बड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं आज। और मैंने सोचा गर्मी का मौसम है तो चलो दही बड़े बनाते हैं। गर्मियों में वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं दही बड़े, तो मैं खट्टे वाले नहीं लेके आई हूँ, मैं आज लेके आई हूँ मीठे दही बड़े, जो कि बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए आपको हम सामग्री दिखा दे रहे हैं कि दही बड़े में क्या क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, जो कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और लाइक कर लें। और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं कि आज आपको रेसिपी दही बड़े की कैसी लगी है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए है दही बड़े के बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए 1 कप उड़द की दाल। ये धुली हुई उड़द की दाल है, इसको हमने 7 से 8 घंटे पानी में भिगो के रखा है। जितनी अच्छी आपकी दाल फूली होगी उतने ही अच्छे दही बड़े बनेंगे। तो ये मैंने 1 कप दाल ले ली, और इसको हम बहुत ही बारीक पीसने वाले हैं मिक्सी जार में डाल के, बहुत ज्यादा बारीक। तो चलिए इसको एक तरफ कर लेते हैं। साथ में हमने एक ले लिया है बाउल, इसमें हमें करना क्या है कि 1 गिलास हमें ले लेना है पानी। ये हमने 1 गिलास पानी लेना है, और मैं इसका भी आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों लिया है। साथ में इसको हम इसमें 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपको दही बड़े ज्यादा मीठे पसंद है तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा चीनी कर लें। यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी को डाल दिया है। जब तक हम दाल आल पीसेंगे, बड़े बनाना शुरू करेंगे, तब तक ये चीनी मिक्स हो जाएगी। मैं हमने ये दही ले लिया है, ये कम से कम 1.5 कप दही है, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल रखा है। ये खट्टा दही नहीं है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है, ताजा ही दही है, घर का दही है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल रखा है, और इसको मिक्सी जार में डाल के 1 से 2 सेकंड के लिए इसे चलाया है, जिससे ये अच्छे से मिल गया है। अब चलिए दाल को हम पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा दाल को हमने बारीक पीस लिया है। बस इतना ही बारीक हमें पीसना है, मतलब जितनी बारीक आप पीस पाए। मैंने इसको पानी डाल के पीस लिया है, थोड़ा सा पानी पड़ता है, उड़द की दाल जो होती है ना वो टाइट होती है, तो उड़द की दाल में पड़ता है पानी, तो मैंने पानी डाल डाल के दाल को पीस लिया है। तो मैंने इसको एकदम बारीक से पीस के और इस भगोने में निकाल लिया है, थोड़ा सा गहरा भगोना है। इसको इसलिए मैंने इसमें निकाला है कि मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक लगातार इसको फेटूंगी हाथों से, जैसे आपको आसानी लगे। मैं इसको हाथों से ही अच्छे से साफ करके मैं इससे ही फेटूंगी इसको। तो इसी तरह 10 मिनट तक आप लगातार फेटिए। इसका रीजन ये है कि आपकी दाल जितनी अच्छी से फिटी होगी उतने ही फूले फूले बढ़िया स्पंजी से आपके दही बड़े बनके तैयार होंगे। तो ये हमने लगातार 10 मिनट बराबर फेटा है, और आप देख सकते हैं एकदम से सॉफ्ट दाल हो गई, एकदम टाइट थी, इतना अच्छे से फिट गई है ये। अब चलिए हम इसके दही बड़े बनाते हैं, और प्लीज गर्म तक दाल फेटी हमने, तब तक ये बढ़िया से चीनी इसमें मिक्स हो गई है। साथ में ये मीठी चटनी है जो कि मैंने कल बनाई थी, और सच बताऊं इसीलिए मैंने बनाई थी क्योंकि मुझे बनाने थे दही बड़े, और मीठे दही बड़े में अगर चटनी ना हो खट्टी मीठी तो मजा ही नहीं आता है। तो ये मैंने इमली की चटनी बनाई हुई है, और हाँ अगर आपको ये चटनी बनानी है और आपके पास अगर इमली नहीं है तो आप इमली की जगह 2 से 2.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाल लें, बाद बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने बनाई है। तो आप इमली नहीं है तो अमचूर पाउडर से बना सकते हैं, और ये हरी चटनी भी उसमें पड़ेगी, खट्टी और तीखी है, तो एकदम मजेदार दही बड़े बनने वाले हैं। और चलिए मैंने कढ़ाई को भी रख दिया है, कढ़ाई में हमने तेल डाल के रख दिया। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लें, सरसों का तेल ले लें, जो आपको अच्छा लगे, जिस रिफाइंड में अच्छा लगे या तेल में अच्छा लगे आप उसमें दही बड़े तलिए। और चटनी तो आप बना के रखिए, जैसे गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात में कभी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, कचौड़ियां हुई, समोसे हुई, कुछ भी बन जाता है इस तरह का, जो जिसके साथ चटनी बहुत जरूरी होती है। ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल होना चाहिए, लो टू फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपने हाई फ्लेम पे दही बड़े को फ्राई किया तो आपके दही बड़े अंदर से बिल्कुल भी नहीं अच्छे से सिकेंगे और कच्चे रह जाएंगे, इसलिए लो टू फ्लेम पे ही हमें थोड़ा सा और इसको गर्म करना है। मीडियम टू लो पे हमने रख कर दिया है, और तेल हो गया अच्छे से गर्म, जितना मुझे चाहिए। इसमें से हल्का सा धुआं देखो आने लगा है, तो इसी समय हम अब बड़े को बढ़िया से बना के इसमें डालना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी भी रख लेते हैं, क्योंकि ये दाल जो होती है चिपकती है हाथों में, तो पानी की सहायता से हम
डालेंगे इसमें बड़े बना के, और हम यहाँ गोल गोल से बनाएंगे दही बड़े। आपको जैसे अच्छे लगे, छोटे बड़े गोल जैसे आपको अच्छे लगे आप वैसे बनाइए। ये एक हमारा बड़ा बनके तैयार हो, डाल दिया मैंने बना के, ऐसे ही हम सभी बड़ों को डाल देंगे और अभी ये फूलेंगे भी। यहाँ पे हम गोल वाले बना रहे हैं, आपको अगर गोल नहीं पसंद है तो आप कैसे भी आकार दे दें। ये मैंने एक दही बड़ा ले लिया है और इसमें एक इस तरह से छेद कर दिया। इससे क्या होता है कि जैसे किनारे सीख जाता, बीच में कभी कच्चा भी रहने का डर रहता, तो इससे कच्चा नहीं रहेगा। और इसको भी हम डाल दिए। तो पहले हम इतने ही फ्राई कर लेते हैं और हल्के हाथों से पलटे। देखो फूलना स्टार्ट हो गया, बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं। जितनी अच्छे से दाल आप फेटेंगे उतने ही बढ़िया आपके मजेदार दही बड़े बनेंगे। तो एक ये भी बन गया है, इनको हम अभी इतने ही फ्राई कर रहे हैं। और इनको मैंने लो कर रखी है, मुझे लो पे ही इनको फ्राई करना है कि अंदर भी ये अच्छे से सीख सकें, कच्चे ना रहें। तो ऐसे ही हम इनको सेके ले रहे हैं, इसी तरह उलटते पलटते ने बढ़िया सा फ्राई करेंगे। बहुत डार्क नहीं इनको करना है, सुनहरे हो जाएं। ये बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल ले रहे हैं और इसी तरह सारे बड़े हम तैयार कर लेंगे। ये मैंने थोड़े ही डाले थे पहले, तो आप चाहें तो खूब सारे डाल लें। इस बार मैं अभी तो 5 डाले थे, आप 7-8 में डालूंगी इस बार। तो इसी तरह सबको एक प्लेट में निकाल निकाल के रख लीजिए। कलर इनका इसी तरह होना चाहिए, बहुत डार्क नहीं करना है हमें। इसी समय हम दूसरे भी डाल के तैयार कर ले रहे हैं। ये मैंने अब की बार 8 बड़े डाले हैं, अभी इनको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे से हो जाए उसके बाद इनको पलटेंगे। और जो हमने दूसरे तैयार कर लिए हैं गरम गरम ही, अब इसमें ये बड़े हैं जो, ये गरम गरम से हम इनमें पानी में डिप कर देंगे। ये मीठा पानी हमने इसीलिए बनाया है, गरम गरम ही डालने हैं जिससे इसके अंदर अच्छे से पानी चला जाए। इनको कम से कम हम 2 से 3 मिनट तक इसी में पड़े रहने देंगे, क्योंकि इनको हमने पलट दिया है और इनको बस कोई इसमें बहुत कठिनाई नहीं है बनाने में। ये भी फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी हम निकाल ले रहे हैं इसी मीठे पानी में। डायरेक्ट निकालेंगे हम इनको, इससे क्या होता है जैसे तेल की स्मेल लग रही है आपको, तो इस पानी में वो खत्म हो जाती है, तो उतनी ज्यादा नहीं आती है। तो इसमें हमने डाल लिए पानी में, इसी तरह हम सब बड़े निकाल ले रहे हैं। ये हमने निकाल लिए, अब इनको भी 2 से 3 मिनट तक किसी में पड़ा रहने देंगे और दूसरे के भी हम जो थोड़े से और बचे उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। इस एक कप दाल से देखो कितने सारे दही बड़े बनके तैयार हुए हैं। अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने स्पंज बने हैं, आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे से फूले हैं। ये देखिए सभी इसी तरह से फूले हैं, ये देखो इसमें अच्छे से मीठा पानी चला गया है। तो हमने ये अब निकाल के रख लिए हैं 5 बड़े। अभी हमें 5 बड़े तैयार करने हैं, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही जो हमने ये मीठा करके रखा है। अब दही बड़े हैं तो ढेर सारा दही पड़ेगा इनमें अच्छे से। अब में डालेंगे हम मीठी चटनी जो हमने बना के रखी है, वो कल बनाई थी और दही बड़े में आज काम आने वाली है। ये हमने मीठी चटनी डाल दी। आप अपने हिसाब से चटनी आप अपने हिसाब से डालें। और अब डालेंगे
जो हमने खट्टी चटनी बना के रखी थी, खट्टी और तीखी, अब इसको भी डाल देंगे। आपका भी मन हो रहा है ना खाने का तो झटपट बनाइए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और साथ में अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। अब डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी। और सच में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको जीरा पसंद है तो भुना हुआ जीरा पीस के रख लें और इसमें डाल दें। चाट मसाला पसंद है आप चाट मसाला डालें, आपको जो अच्छा लगे आप वो डालें। ये देखिए दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करें, सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।